ओके सभी को हार्दिक स्वागत है बच्चों। इससे पहले वीडियो में हम अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा किए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ के अंतर्गत। अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ के भाषा की बात अब हम देखेंगे। पहला भाषा की बात में पहला देखिए, पहला कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। भाषा की बात में पहला आबिड देखेंगे, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। यानी कोष्टक यानी यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया ना, यह ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या कहते बोले तो कोष्टक कहते हैं। यह कोष्टक में सूचना यहाँ पर हर एक कोष्टक में कुछ सूचनाएं दिया गया है, इन सूचनाओं के अनुसार ही यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना। भाषा समाधान संकल्प क्या है पर यहाँ पर पर्याय शब्द लिखे बोलकर यहाँ पर है। पर्याय का अर्थ है पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है। यानी यहाँ पर कुछ शब्द रहता है, यह शब्द जितने भी शब्द होने थे उन शब्दों से अगर हमें एक ही है अर्थ निकले तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भाषा का पर्यायवाची शब्द क्या है, समाधान का पर्यायवाची शब्द क्या है, संकल्प शब्द क्या है, अब हम लिखना चाहिए। अब हम भाषा का पर्यायवाची शब्द क्या है देखेंगे। ओके भाषा का पर्यायवाची शब्द क्या है बोले तो बोली वाणी जबान। ये पूरे इन चार शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है, वैसे शब्दों का हम क्या कहते बोलते पर्यायवाची शब्द कहते हैं। भाषा बोली वाणी जबान इन पूरे शब्दों को हम लैंग्वेज कहते हैं। सो इन चारों शब्दों का एक ही अर्थ है ना, इसलिए जैसे इस तरह के शब्दों का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समाधान का पर्यायवाची शब्द लिखो बोले तो जवाब हल उत्तर, ये पूरे समाधान का पर्यायवाची शब्द है। और तीसरा क्या है संकल्प। ओके संकल्प के बारे में अब हम देखेंगे, संकल्प का पर्यायवाची शब्द क्या है बोले तो दृढ़ निश्चय तानना निश्चय करना। ये पूरे यह भाषा समाधान संकल्प यह पूरे पर्यायवाची शब्द का इस तरह क्या है। भाषा का पर्याय शब्द क्या है, भाषा वाणी बोली जबान। और समाधान का क्या है, जवाब उत्तर हल। और संकल्प का दृढ़ निश्चय टारना निश्चय करना। और इसके बाद क्या है विलोम शब्द। ओके विलोम शब्द के बारे में अब हम देखेंगे। ओके जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, यानी एकता यहाँ पर कुछ शब्द रहता है इन शब्दों का विपरीत अर्थ यानी उसका ऑपोजिट बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आपको परीक्षा में विलोम शब्द लिखो बोलकर पूछता, नहीं तो उल्टे शब्द लिखो बोलकर पूछ सकता है, नहीं तो विपरीतार्थक शब्द पूछ सकता। इन तीनों का एक ही अर्थ क्या है बोले तो ऑपोजिट वर्ड्स। ओके विलोम शब्द लिखो बोले तो उनका विपरीतार्थक शब्द यानी उन शब्दों दिए गए शब्दों का ऑपोजिट वर्ड्स लिखना। अंग्रेजी में ऑपोजिट वर्ड कहते हैं, अंग्रेजी में ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर एकता का विलोम शब्द क्या है अब हम देखेंगे, एकता का विलोम शब्द क्या है बोले तो अनेकता। ओके विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड यानी स्वदेश, स्वदेश यहाँ स्वदेश के क्या है बोले तो उसी उनके देश में ही रहना, और दूसरे देश में रहने वालों को हम क्या कहते हैं विदेश कहते हैं। इस तरह हम एक शब्द का विपरीतार्थक शब्द इस तरह लिखना चाहिए। और दूसरा स्वदेश का विलोम शब्द क्या है बोले तो विदेश, और प्राचीन का विलोम शब्द क्या है बोले तो नवीन। अब बताइए एकता का विलोम शब्द क्या है अनेकता, स्वदेश का विलोम शब्द क्या है विदेश, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है नवीन। इस तरह के जवाब लिखना चाहिए।